देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के देवबंद से बड़ी खबर, अंधविश्वास के साए में दुष्कर्म का मामला आया सामने। तांत्रिक पर लगा सामने दुष्कर्म का आरोप, पीड़ित महिला ने आरोपित तांत्रिक व उसके साथी पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर देकर लगाई न्याय की गुहार। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से संवाददाता जोगेंद्र कल्याण की विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद सहारनपुर के कस्बा देवबंद के गांव शिमलाना निवासी विवाहिता देवबंद के मोहल्ला खानखा में बंगाली तांत्रिक के यहां सिरदर्द का इलाज कराने आई। आरोप है कि महिला को नशीला पदार्थ देकर तांत्रिक ने अपने साथी के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला और उसके पति ने तांत्रिक पर आरोप लगाते हुए बताया कि वह सिर के दर्द का इलाज कराने तांत्रिक के यहां अपनी सास के साथ गई थी, जहां तांत्रिक ने सास को बाहर बैठाकर महिला को कमरे के अंदर ले गया और महिला को नशीला पदार्थ देकर अपने दूसरे साथी के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। पीड़ित ने अपनी आपबीती बाहर आकर सास को बताई तो सास द्वारा विरोध करने पर तांत्रिक ने किसी को भी ना बताने को कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने कोतवाली देवबंद में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्राइम स्टोरी के लिए संवाददाता जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट। मेरा सिर में दर्द होता है, जड़वान आई थी जी। तो उसने आपके साथ गलत काम किया जी? साथ कौन था? मेरे साथ में एक सास थी, उसे पैर बिठा दी थी उन्होंने। अच्छा, उन्होंने क्या लोग थे जी? दो थे। देवबंद पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें एक महिला द्वारा आरोप लगाया गया है कि तांत्रिक द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर महिला को निलंबित कराया जा चुका है और तांत्रिक की गिरफ्तारी की जा चुकी है। क्या कर रहे और साथ ही सर इसके तांत्रिक है कोई और? इस संबंध में विवेचना की जा रही है।